अच्छा भाई ग्यारहवीं का खाना पीना जायज़ है हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती है इनके बारे में सुना है कि वो ग्यारहवीं वगैरह भी करते हैं और जब ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे घर भी ज़रूर बिरयानी भेजते हैं क्या वो खाना जायज़ है या नहीं और अगर ख़ुद नहीं खा सकते तो क्या किसी मासी वगैरह को दे सकते हैं मिसेस शेख कराची से भाई हमारी नज़र में तो ये ग्यारहवीं वगैरह के खाने बेदत हैं एक काम को सवाब समझ के करना यानी लोग कहते खाना पकाने में कौन सा गुना है खाना खिलाने में कौन सा गुना है तो खाना पकाने खिलाने में गुना नहीं लेकिन ग्यारहवा दिन जो आपने मुतिन कर लिया और उसमें आ, जो है ऐसा उसकी मामूल बना लेना खाना तो किसी भी टाइम पे पका सकता है खिला सकता है इंसान ये ग्यारहवीं की क्या पख लगी हुई है इसमें तो इसलिए ये अमल बिदत है तो आप इससे इज्तनाप करें लेकिन पड़ोसियों से ताल्लुक़ ख़राब ना करें वो भेज दें तो उनको मोहब्बत से समझा दें कि भाई हम इस तरह के लोग नहीं हम ग्यारहवीं वगैरह नहीं मनाते हमारे यहाँ इसको ठीक नहीं समझा जाता वैसे आप कभी को भी कुछ पका दिया करें तो हम पड़ोसियाँ भेज दिया करें हम पका देंगे हम आपको दे देंगे पड़ोसियों का ख्याल करना अच्छी बात है लेकिन ये ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं ये चीज़ें ना बनाया करें आप फिर भी भेज दें तो फिर मोहब्बत से समझा दें उनको वापस कर दें वो फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं या बहुत ज़्यादा मसला और फितने का तो रख लें फिर चूँकि खाना बजाते ख़ुद तो हराम नहीं है वो तो मासी को खिला दें खुद खा लें वो खाना हराम नहीं होता ये अमल नाजायज़ है बिदत की तइद है तो जब आप उनसे लेंगे तो ये बिदत की ताइत तो हो गई चाहे खुद खाएं चाहे किसी और को खिलाएं तो लेने से अवॉइड करें आप उस खाने को और वैसे हकीकत ये है कि हमारे तो हलक में उतरता भी नहीं है ये ग्यारहवीं बारहवीं और ख़ास तौर पर चालीसवें के खाने तो किसी को वैसे तबीय तौर तो पर उससे कराहत आती हो तो वो ना खाए अब जैसे हमारे घर में कोई चालीसवें का मुर्दे का खाना भेज देना अगर मैयत का चालीसवाँ था तो मेरे हलक से तो निवाला नहीं उतरता मैं तो फिर यही करता हूँ कि किसी को खिला देता हूँ वैसे हमारे यहाँ लोग भेजते भी नहीं हैं वो समझते गए कि ये अजीब टाइप के लोग हैं हमारी दादी अल्लाह मख़रत फरमाए कभी भी चालीसवें का खाना आता था ना कहती थी ये हुल तुम लोगों के हलक से उतरता कैसे ये खाने मुर्दों के खाने कैसे खा लेते हो वो बड़ी गैरत दिखाती थी इस मामले में तो वहीं से थोड़ी बहुत मामूली सी गैरत की दो चार बूंदें हम भी न, हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो गई अब ये कम अज़ कम मुर्दों के खाने हमारे हलक से नहीं उतरते बाकी ग्यारहवीं का खाना जो है वो मुर्दे का तो मेरा खाले नहीं होता तो उसमें ये है कि आप एवॉड करें इससे ना लें महब्बत से उनको समझा दें फड्डेबाजी ना करें फिर भी देते हैं तो रख लें अब आपका आपकी मर्ज़ी है, खुद खाएँ या मासी को खिलाएं ये मैं इस बारे में ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा तकरीब